उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में नाबालिग को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। नाबालिग बालिका की आपत्तिजनक फोटो खींचकर एक मनचले युवक द्वारा काफी दिनों से परेशान कर ब्लैकमेल किया जा रहा था। युवक की प्रताड़ना से आजीज आ चुकी इस नाबालिग ने एसपी महोबा सुधा सिंह की चौखट पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई। साथ ही नाबालिग लड़की ने मनचले युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की, ताकि भविष्य में इस युवक द्वारा किसी अन्य महिला या किशोरी के साथ दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जा सके। मामला करबई थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहाल का है, जहां एक नाबालिग को एक युवक द्वारा जबरन परेशान कर ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग का शिकार बनी इस नाबालिग लड़की ने युवक द्वारा अब तक 60,000 की रकम जबरन वसूली जा चुकी है। आपको बता दें कि नाबालिग कपड़े की खरीदारी करने बाजार गई थी, जहां उसकी दोस्ती इस युवक के साथ हो गई, जिसके बाद युवक ने नाबालिग को अपने घर बुलाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो ले ली और उसे जबरन प्रताड़ित करने के साथ ही ब्लैकमेल करने लगा। जब इस मामले की जानकारी नाबालिग के परिजनों को लगी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग लड़की ने एसपी महोबा की चौखट पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उसने मनचले युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की। सही है। क्या है पूरा मामला? एक लड़का रामनाथ के रिक्शे में था, जिससे मेरी मतलब दोस्ती, उसने उसके टीम में कपड़े लेने गई थी। उसके बाद उसने एक दिन मुझे रूम में बुलाया और मैं गई तो उसने असली फोटो पिक्चर खींच ली। उसके द्वारा वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा, पैसे मंगाते रहा। 60,000 उसको मैं रुपये दे चुकी। इस बार जब मैंने उसे रुपये नहीं दिए तो उसने मेरे साथ मार के दी थी, बदतमीज भी थी। जब किसी के द्वारा पापा के पता चला तो पापा पुलिस लेकर उसके रूम में छोड़ते। क्या नाम उस लड़के का, कहाँ का रहने वाला है? राहुल कुशवाहा, हल्ला। आपने कबरई थाने में तहरीर दी? हाँ, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप कहाँ आई हैं? महोबा। किसके यहाँ? एसपी मैडम के यहाँ मिली है। एसपी मैडम से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। क्यों? उन्होंने जो बाहर बैठे थे उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। क्या कह रहे थे वो लोग? बैठाए बस रहे, गुमराह की रहे और मिलने नहीं दिया एसपी मैडम से।